हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल सुनैनास क्रिएटिविटी गार्डनिंग। आज मैं आपको दिखाऊंगी, ये है ड्रेसिना की महात्मा प्लांट। इसको ड्रेसिना महात्मा भी बोलते हैं, कॉडलाइन प्लांट भी बोलते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल इसकी पत्तियां होती है। कुछ कुछ पत्तियां में आप देख सकते हैं इस तरह के ग्रीन लीव्स और साइड में इस तरह पिंक बॉर्डर होते हैं, और कुछ कुछ पत्तियां इस तरह पिंक कलर की होती है, कुछ कुछ पत्तियां इस तरह बेबी पिंक कलर की होती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये ड्रेसिना के पौधे हैं। ड्रेसिना के बहुत सारी वैरायटी है, आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। तो इसकी कटिंग मैंने ले आई, तो फर्स्ट कटिंग आपको प्लांट के बनाने के बाद आपको पानी में रख देना है। पानी में रखने के बाद उसकी जो एनर्जी होती है वो वेस्ट नहीं होती, और आपकी जो प्लांट है वो सक्सेसफुली ग्रो हो जाती है। जैसे ये प्लांट मैंने लाया है परसों, कल मुझको टाइम नहीं मिला तो मैं इसको पॉटिंग मतलब इसको लगा नहीं पाई। तो आप इसको लगा सकते हैं। तो पहले इसकी जो नीचे वाली पत्तियां हैं वो काटना पड़ता है, तो नीचे वाली जो सारी पत्तियां हैं वो आपको इस तरह हटाना पड़ेगा। आप इसको मिट्टी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं। मिट्टी में कई कई बार क्या होता है, बहुत गर्मी के कारण कई कई बार प्लांट नहीं लगता, तो इस टाइम पे आप पानी में भी इसको प्रोपोगेट कर सकते हो। तो इस तरह नीचे की जो कुछ पत्तियां हैं वो हम हटा लें। ये दो पत्तियां भी आप हटा सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। और नीचे इसकी जो कटिंग है ये मैंने तोड़ के लाई थी, इसीलिए आप देख सकते हैं अच्छे से इसकी नीचे ये कट नहीं हुआ, तो इसको अच्छे से कट करना पड़ेगा। तो ये किसी भी जगह से इस तरह नोड एरिया से आप इस तरह से कट लगा लीजिए। आपके पास अगर कटर हो तो कटर से लगा लीजिए, नहीं तो मेरे पास इस तरह ब्लेड है, मैं ब्लेड से इस तरह इसको इस तरह कट कर लिया। तो ये अच्छे से इसको मैंने कट कर लिया। आप थोड़ा ऊपर से भी कर सकते हो, मैं दिखाती हूँ आपको इस तरह। ये आप इस तरह थोड़ा एंगल करके आप ये काट लीजिए। अब आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। हम इसको पानी में ग्रो करेंगे क्योंकि बहुत गर्मी पड़ने के कारण कई कई बार नहीं लगता। पानी में भी कर सकते हैं, मिट्टी में भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, मिट्टी में इसकी कटिंग मैंने लगाया था करीबन एक महीने पहले, तो वो मिट्टी में भी अच्छी तरह से सर्वाइव कर गया। एक कटिंग मेरा मिट्टी में मर गया है और एक कटिंग मिट्टी में भी सर्वाइव कर गया है। तो आप इस तरह कोई भी ग्लास में, कांच के ग्लास में भी हो सकता है, या आप इस तरह स्टील की ग्लास में भी आप इस तरह कटिंग को रख सकते हैं। और आपको ये देखना है, चार पांच दिन बाद आप कि इसकी जो पानी है इसको चेंज करते जाना है, और इसको ब्राइट लाइट में आपको रखना है। अगर ब्राइट लाइट में, धूप में मत रखिए, सिर्फ ब्राइट लाइट पे आप इसको रखिए। तो 30 दिन के बाद, मतलब एक महीने के बाद आप देखेंगे इसकी अच्छी रूट हो जाती है। मैं आपको दिखाऊंगी। ये एक पौधा मेरा कॉडलाइन का, ये एक महीने पहले मैंने छोटी सी कटिंग लाई थी, और ये इस तरह मैं एक प्लास्टिक की पॉट में रख दिया। प्लास्टिक की पॉट में भी रख सकते हैं, इस तरह स्टील की ग्लास में रख सकते हैं, इस तरह कांच के ग्लास में रख सकते हैं। सिर्फ एक चीज आपको देखना है, इसकी जो मुंह है थोड़ा वाइड होनी चाहिए, जैसे एयर पास हो, नहीं तो आपकी कटिंग्स खराब हो जाएंगी। और पानी आपको चार पांच दिन बाद चेंज करते ही रहना है। तो इसकी रूट मैं आपको दिखाऊंगी, ये एक महीने पहले का है। ये देखिए इसकी रूट, आप देखिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल इसकी रूट है, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल इसकी रूट है। ये मेरी एक महीने का प्लांट है, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसकी जो रूट है ये आई है। हर एक नोट एरिया से इसकी रूट जो है वो है, हर एक नोट एरिया से। तो इसकी ये 30 दिन पहले मैं
पानी में लगाई थी, तो ये भी सक्सेसफुली ग्रो हो गई है, नई नई पत्तियां आई हैं। बहुत खूबसूरत पौधा है, आप पानी में इजीली लगा सकते हो। पानी में इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हुई है। आप मिट्टी में भी लगा सकते हो। मिट्टी में क्या होता है, आपके कटिंग्स लगने या ना लगने में 50-50 चांस रहती है बहुत ही गर्मी में, लेकिन आप अगर पानी में लगाओगे तो आपके जो कटिंग्स हैं वो 100% ग्रो होगी। आप पानी में उसको लगाइए, उसको 100% वो ग्रो होगी। अब इसको हम पॉट कर लेंगे, पॉटिंग मिक्स में डाल के पॉट कर लेंगे, क्योंकि ये अच्छे से ये जो है वो रेडी हो गया है। इसको भी आप इस तरह डाल देंगे तो हर एक नोड एरिया से ये भी 30 दिन बाद आपकी बहुत ही अच्छी रूटिंग होगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रूटिंग पानी में इसका हुई है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने मिट्टी में लगाया था 1 महीने पहले, इसकी भी कटिंग सक्सेसफुली ग्रो हो गई है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी साइड में ही और एक कटिंग थी, वो नहीं चल पाई, वो मर गई है। और मैं आपको इसकी पॉटिंग करूँगी। तो ये हाँ, ये जो मेरा एकदम 100% ग्रो हो गया, तो इसको अच्छे से एक पॉटिंग मिक्स बना के मैंने रेडी कर लिया है। इसमें आप डालेंगे एक हिस्सा कोकोपीट, एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा गार्डन सॉइल और एक हिस्सा कंपोस्ट। तो इसकी अच्छे से इस तरह इसको हम लगा देंगे। तो ये हो गया है हमारा एकदम रेडी कटिंग। इस तरह पानी में आप बहुत ही जल्दी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी कटिंग पानी में ग्रो हो जाती है, बहुत ही जल्दी पानी में कटिंग्स ग्रो हो जाती है। इस तरह आप कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं पानी में और सक्सेसफुली ये ग्रो हो जाएगी। मेरा ये जो प्लांट है ये एकदम सक्सेसफुली ग्रो हो गया। अब इसको हम पानी इस तरह मिट्टी में लगा दिया और इसमें हम पानी दे देंगे। तो पहली पानी बहुत अच्छे से देना है, कुछ दिन इसको हम शेडेड एरिया में रखेंगे। जब इसमें देखेंगे कि नई ग्रोथ जो है फिर से अच्छे से ये होगा, तब इसको हम इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। वैसे ड्रेसिना के सारे पौधे इंडोर प्लांट होते हैं, इसलिए आप इसको ब्राइट लाइट में रखिए, धूप में मत रखिए। अगर धूप में ज़्यादा रखेंगे जो इसकी इस तरह पत्तियाँ इस तरह पीला होने शुरू हो जाएंगी, तो इस तरह आप इसको धूप में मत रखिए, आप इसको इस तरह ब्राइट लाइट में रखिए। बैल्कनी में रख सकते हैं, आपकी विंडो पे रख सकते हैं, टेरेस पे जहाँ पे शेडेड एरिया है वहाँ पे भी रख सकते हैं, इस तरह आप रख सकते हैं। तो कॉडलाइन बहुत अच्छी प्लांट है, ड्रेसिना महात्मा, आप इसको लगाइए, पानी में ग्रो कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। ओके फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।